तो अब ध्यान दीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, पहले यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ध्यान दीजिए इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर बीच में एक पतली पट्टी होती है, इसके अलावा किनारों पर जो है दो मोटी पट्टियाँ होती हैं। तो ध्यान दीजिए जो बीच में पतली पट्टी होती है इसे बोलते हैं पी, यहाँ पर ये एन और ये वाला सिरा एन, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी रचना होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बीच में पी है और किनारों पर एन है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आपको बताना है कि यह ट्रांजिस्टर पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को एन टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को एन टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो पी सिरा होता है ये होता है आधार, याद रखिएगा जो बाईं तरफ का एन होता है इससे बोलते हैं उत्सर्जक, और जो यहां पर दाईं तरफ का एन होता है इसे बोलते हैं संग्राहक। तो यहां पर ये एन उत्सर्जक, ये आधार और ये संग्राहक, इस प्रकार से यहां पर होता है। तो अब ध्यान दीजिए जिस प्रकार से स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको इसमें बताना है। आप इसमें बताएंगे कि यह ट्रांजिस्टर पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को एन टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें बीच का पी क्षेत्र जो है वो आधार, बाईं ओर एन क्षेत्र जो है उत्सर्जक, और दाईं ओर का एन क्षेत्र जो है वो संग्राहक होता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए अब हम लोग यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था तैयार करेंगे। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है किनारों पर दो मोटी परतें होती हैं और बीच में जो है एक पतली परत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिरा जो होता है ये उत्सर्जक होता है, इसके बाद यहाँ पर बीच का सिरा ये आधार होता है, और ये सिरा यहाँ पर जो होता है ये संग्राहक होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये N, P और ये N। तो यहाँ पर N यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे चालक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आपको इसमें चालक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं। यहाँ पर N क्षेत्र, इसमें भी चालक इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर क्वार्टर आपको दिखाना है। तो यहाँ के जो चालक इलेक्ट्रॉन है वो गति करके क्वार्टरों की तरफ यानी कि आधार को पार करके संग्राहक की ओर जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से तो यहाँ पर ये उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। यहाँ पर अब ध्यान देना है आपको इसमें जो उत्सर्जक और आधार यानी कि यहाँ पर ये उत्सर्जक है और ये आधार, तो उत्सर्जक आधार संधि को जो है हम लोग यहाँ पर एक बैटरी लगाकर, इस जगह पर आपको एक बैटरी लगानी है। तो यहाँ पर ये उत्सर्जक है और ये आधार है, तो परिपथ व्यवस्था में आपको बताना है कि उत्सर्जक आधार संधि को जो है बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है इसे अग्र अभिनत। तो यहाँ पर उत्सर्जक और आधार, याद रखिएगा उत्सर्जक और आधार संधि को जो हम लोग बैटरी B1 द्वारा यहाँ पर अग्र अभिनत बनाते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिए जो आधार संग्राहक संधि है, आधार संग्राहक संधि को यहाँ पर हम लोग बैटरी B2 द्वारा जो है उत्क्रम अभिनत बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्क्रम अभिनत। तो ये अग्र अभिनत होगा और ये वाला यहाँ पर उत्क्रम अभिनत होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको संग्राहक सी, आधार बी, उत्सर्जक ई, इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। यहाँ पर संग्राहक धारा IC, यहाँ पर आधार धारा IB और यहाँ पर उत्सर्जक धारा IE। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका परिपथ आपको तैयार करना है। और आप इसमें बता सकते हैं, ध्यान दीजिए इसमें आपको बताना है कि चित्र की भांति यानी कि जैसे आपने चित्र तैयार किया है इसी प्रकार आपको बताना है कि चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें उत्सर्जक आधार संधि को जो है बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं, जिससे यहाँ पर इसकी जो अवक्षय परत होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिससे कि आवेश वाहकों के मार्ग में जो है न्यूनतम प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग आधार संग्राहक द्वारा जो है इसे यानी कि जो आधार संग्राहक संधि है इसको बैटरी B2 द्वारा जो है यहाँ पर उत्क्रम अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत जो है अपेक्षाकृत मोटी होने के कारण ये जो है आवेश वाहकों के मार्ग में अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है।
तो ध्यान दीजिए जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आप इसमें बताएंगे कि चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं जिससे यहाँ पर इसकी अवक्षय परत जो है वो अत्यंत पतली हो जाने के कारण यहाँ पर आवेश वाहकों के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध आरोपित करती है। इसके अलावा आपको बताना है यहाँ पर कि बैटरी B2 द्वारा जो हम लोग आधार संग्राहक संध को यहाँ पर उत्क्रम अभिनत बनाते हैं जिससे इसकी अवक्षय परत जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत मोटी हो जाने के कारण यह धारा के मार्ग में जो है अधिकतम प्रतिरोध आरोपित करती है। अब इसके बाद इसकी कार्यविधि यानी कि क्रियाविधि, तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको इसमें बताया गया था भी कि हम लोग यहाँ पर उत्सर्जक आधार संध को जो बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं, तो जिस समय यहाँ पर हम लोग उत्सर्जक आधार संध को अग्र अभिनत करते हैं तो उस समय इसके जो चालक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार को पार करके जो है वो संग्राहक में जाने लगते हैं। तो जब आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं चालक इलेक्ट्रॉन, तो लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आधार में जो क्वार्टर उपस्थित होते हैं उनसे संयोग करके वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जब उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत में होती है तो वहाँ पर जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। तो जैसे ही जाने लगते हैं तो आधार के जो क्वार्टर होते हैं वो चालक इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके यहाँ पर लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है बिंदु C पर पहुँचता है, तो जैसे ही चालक इलेक्ट्रॉन बिंदु C पर पहुँचेगा वैसे ही वो बैटरी B2 के धन ध्रुव द्वारा जो है आकर्षित हो जाता है, और जब बैटरी B2 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाता है तो वहाँ पर संग्राहक धारा IC जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए जो आधार है इसमें जैसे ही क्वार्टर की कमी होती है किसी, तो जब क्वार्टर की कमी होती है तो यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध जो है टूट जाता है, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के जो है वो बैटरी B1 द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आकर्षित हो जाएंगे, तो जिससे आधार धारा IB यहाँ पर प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए उत्सर्जक में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है इस कमी को पूरा कर देता है, और इस समय यहाँ पर जो है उत्सर्जक धारा IE प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि उत्सर्जक आधार संध के अग्र अभिनत में होने के कारण चालक इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके जो है यहाँ पर संग्राहक में जाने लगते हैं जिससे लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन आधार के क्वार्टरों से संयोग करके नष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कोई चालक इलेक्ट्रॉन बिंदु C पर पहुँचता है वैसे ही बैटरी B2 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाता है जिससे संग्राहक धारा IC जो है वो प्रवाहित होती है, और जैसे ही आधार में किसी क्वार्टर की कमी होती है वैसे ही आधार में एक सहसंयोजक बंध जो है वो टूट जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाते हैं जिससे आधार धारा IB प्रवाहित होती है। और वैसे ही इसके अलावा आपको बताना है इसमें कि जैसे ही उत्सर्जक में किसी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उस कमी को पूरा कर देता है जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त होती है। तो अब ध्यान दीजिए आप इसमें यहाँ पर बता सकते हैं कि चित्र से ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे IE, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी दिशा, और इसके अलावा इन दोनों की दिशा ध्यान दीजिए पर क्यों, तो यहाँ पर IE बराबर लिख सकते हैं IB प्लस IC, तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा चित्र के अनुसार।